हेलो दोस्तों, वेलकम टू शोर इलेवन प्रेडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मैच का मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते आप दोस्तों, अगर कोई भी चेंजेस होता है या किसी भी तरह का अपडेट हम आप तक पहुँचा नहीं पाएंगे। वहीं पर पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच जीत चुका है सीरीज़ का इंग्लैंड से। वहीं पर इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच हार गया है 9 विकेट से, पाकिस्तान ने हराया है उन्हें। वहीं पर आप देख सकते हो कीपर इन ऑप्शन में आपको जॉनी ब्रेस्टो और सरफराज अहमद मिल जाते हैं। तो जॉनी ब्रेस्टो एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, उन्हें लंबी इनिंग खेलने का मौका मिलता है और कैपेबल है दोस्तों काफ़ी सारा रन बनाने के लिए। वहीं पर सरफराज अहमद की बात की जाए, टीम के कैप्टन है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है। टेस्ट मैचेस में थोड़ा उनका एवरेज अच्छा है, लेकिन मैं उनमें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि उनकी जो बैटिंग स्टाइल है उससे मुझे नहीं लगता काफ़ी सारा रन स्कोर कर सकते हैं, या जो नंबर से उतरते हैं वहाँ से उनका कोई साथ देगा खेलने के लिए टीम में जिससे वो स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों बैटिंग लाइनअप में आप जॉस बटलर, एलिस्टर को, शदाब, असद शफीक, जोए रूट और आप अजहर अली को ले सकते हो। तो ये सारे प्लेयर आप ले सकते हो, जॉस बटलर, जोए रूट, असद शफीक, अजहर अली, एलिस्टर को। दोस्तों तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो में आप थोड़ा चेंजेस हो चुका है, तो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मार्क उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। और ये दो बैट्समैन हो सकते हैं दोस्तों टीम में, इमामुल हक और डेविड मलान, तो आप इनको भी ले सकते हो दोस्तों टीम में, दोनों भी डेफिनेटली खेलने वाले हैं, तो आप ये दो प्लेयर को रख सकते हो टीम में। वहीं पर अब इंजरीज की बात की जाए तो टेस्ट सीरीज में बाबर आजम और मार्क स्टोनमैन ये दोनों अब नहीं खेलेंगे सेकेंड मैच, क्योंकि बाबर आजम को फ्रैक्चर हुआ है। वहीं पे मार्क स्टोनमैन को भी इंजरी हो गई है दोस्तों, तो वो बाहर हो चुके हैं टीम से, तो आप इन दोनों को टीम में मत लीजिएगा दोस्तों, दोनों भी रिस्की है, तो आपको दोनों को बाहर रखना होगा टीम से। इनकी जगह पे रिप्लेसमेंट, अभी बाबर आजम की जगह पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो वहाँ पर कोई भी प्लेयर खेल सकता है बाबर आजम की जगह, समी असलम, फ़खर जमन, साद अली, उस्मान सलाउद्दीन, तो चारों भी रिस्की हो सकते हैं दोस्तों। बाबर आजम की जगह कोई भी इन चारों में से खेल सकता है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारा आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वहीं पर टो इंजरी के कारण मुस्तफ़िज़ुर रहमान अब अफगानिस्तान सीरीज से बाहर हो चुके हैं, और जॉस हेजलवुड ने भी अपना नाम विड्रॉ कर लिया है ड्यू टू सम इंजरीज की वजह से, जो इंग्लैंड में खेलने जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया टूर था इंग्लैंड का, ओडीआई वहाँ से, अब वो भी बाहर हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मार्क स्टोनमैन अब बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह किटन जिनिंग आ गए। किटन जिनिंग काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं दोस्तों, 25 वर्षीय है, अपने जो यहाँ इंग्लिश ओडीआई चालू है उसमें उन्होंने शतक भी लगाया है और काफ़ी विकेट्स भी निकाल लेते हैं एक आधा, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ओपनर बैट्समैन है, साउथ अफ्रीका बॉर्न है, साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 इन्होंने खेला था, लेकिन अभी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो अभी यही चेंज के कारण मुझे वीडियो बनाने पड़ रहा है, क्योंकि किटन जिनिंग सब टीम में वापस आ चुके हैं। बाकी प्लेयर्स की बात की जाए ऑलराउंडर्स में, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स में। बेन स्टॉक डेफिनेटली खेलेंगे, हारिस सोहेल खेलेंगे, शदाब खान खेलेंगे, आप तीनों को रख सकते हो दोस्तों अपनी टीम में। वहीं पर अब फहीम असरफ एक ऑप्शन और है दोस्तों ऑलराउंडर में, उनको भी आप टीम में रख सकते हो, डेफिनेटली खेलेंगे फहीम असरफ, तो आप फहीम असरफ को भी टीम में रख के उनको खिला सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अदर प्लेयर्स की, गेंदबाजी पे एक नज़र डाल लेते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आमिर, डोमिनिक बेस, हसन अली, जेम्स एंडरसन, ये सारे गेंदबाज सेम खेलेंगे दोस्तों। जेम्स एंडरसन डेफिनेटली खेलेंगे, मोहम्मद आमिर खेलेंगे, हसन अली खेलेंगे, डोमिनिक बेस खेलेंगे, मोहम्मद अब्बास खेलेंगे, तो ये पाँचों के पाँचों बॉलर खेलेंगे दोस्तों। आप पाँचों में से किन्हीं 3, 4, 2 को, 1 को रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टीम। मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड भी खेलेंगे दोस्तों डेफिनेटली। पाकिस्तान सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकती है, बाबर आजम को निकाल के मार्क वुड भी खेलेंगे, स्टुअर्ट ब्रॉड भी खेलेंगे, आप दोनों को रख सकते हो। सिर्फ बाबर आजम एकमात्र जिनका फ्रैक्चर हो चुका है वो बाहर हो चुके हैं टीम से। वहीं पर आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों कौन कौन से प्लेयर को, मैं आपको बता देता हूँ जो आपके आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहाँ पर आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो दोस्तों, जो परफॉर्म करेंगे पाकिस्तान के लिए और इंडिया
तो यहाँ पर ये सारे प्लेयर हो गए दोस्तों, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप नॉमिनेट कर सकते हो। उसमें फर्स्ट चॉइस होंगे मेरे बेन स्टॉक, बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करते हैं, जॉस बटलर क्योंकि काफ़ी अच्छा आईपीएल गया है इनका, जो रूट को आप बना सकते हो क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस में। अजहर अली को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, थोड़ा रिस्की है दोस्तों लेकिन ये बहुत सोच समझ के खेलते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस इनके अच्छे हैं। शादाब खान बैटिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो उनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। जेम्स एंडरसन अगर पिच से स्विंग मिलती है तो 7 से 8 विकेट निकाल सकते हो दोस्तों, पाकिस्तान को वन साइडली मैच हरा सकते हैं, उनको रख सकते हो। वहीं पे स्टुअर्ट ब्रॉड का भी सेम है दोस्तों, अगर वो भी परफॉर्म करते हैं तो 7 से 8 विकेट मैच में विकेट निकाल लेंगे, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। आमिर को रख सकते हो, थोड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। जॉनी ब्रेस्टो भी बन सकते हैं आप कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ये 9 प्लेयर को आप टीम में रख सकते हो दोस्तों। इसमें ऐड कर सकते हो आप एलिस्टर कुक को या अदर्स प्लेयर को जो 8.5 में आ जाएंगे। कैटिन जिनिंग्स को रख के आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको और कौन कौन से प्लेयर को ऐड करके आप टीम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप कैटिन जिनिंग्स को लेके अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हो, या कैटिन जिनिंग्स को बाहर रख कर आप यहाँ पर इमामुल हक को ले सकते हो दोस्तों, तो अभी आपकी प्लेइंग 11 बन जाएगी। आप देख सकते हो इस तरह से प्लेइंग 11 क्रिएट कर सकते हो आप अपनी, ये प्लेयर जो परफॉर्मिंग प्लेयर है उनको रख के टीम में। यहीं पर आप फहीम असरफ को लाके एक चेंजेस में आप ले सकते हो टीम में, जिससे आपकी टीम बैलेंसिंग हो जाएगी दोस्तों। बॉलिंग में भी काफ़ी सारा चेंजेस कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता दिया, मैंने 2 टीम क्रिएट किया दोस्तों। मैं दिखा देता हूँ, ये स्मॉल लीग के लिए मैंने रिस्क नहीं लिया, बेन स्टॉक को बनाया कैप्टन, जॉय रूट को वाइस कैप्टन, जॉनी ब्रेस्टो को, एलिस्टर कुक को लिया, असर शफीक को लिया, केटन जिनिंग्स को टीम में ले लिया है, शादाब खान, फहीम अशरफ, डोमिनिक बेस, मोहम्मद आसिफ, जेम्स मोहम्मद अब्बास, जेम्स एंडरसन, ये मेरी प्लेइंग 11 है दोस्तों। और मैंने अदर्स प्लेयर भी बताया आपको, अगर आपको चाहिए तो उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर और भी प्लेयर्स है दोस्तों, ग्रैंड लीग में आप थोड़ा रिस्क लेके आप बना सकते हो। आसिफ शफीक को कैप्टन, इमामुल हक को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, जॉनी ब्रेस्टो की जगह आप ले सकते हो सरफराज अहमद को, तो भी अच्छा ऑप्शन है। आमिर, अब्बास, ब्रॉड को मैंने टीम में लिया दोस्तों, आरिस सोहेल को टीम में लाया हूँ, तो इस तरह से आप टीम क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको लगता है पाकिस्तान के ज़्यादा प्लेयर जीत परफॉर्म करने वाले, पाकिस्तान विन करेगा, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को बढ़ा सकते हो टीम में। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर बेल ऑन नहीं करते आप दोस्तों, तो हम किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचा पाएंगे। अगर कुछ सडन चेंजेस होता है तो उसे हम आप तक पहुँचाएंगे, जैसा कि आज हार्दिक पांड्या ने अपना नाम उनका विड्रॉ कर लिया है वर्ल्ड प्लेइंग 11 से, तो वो बाहर हो चुके हैं। वहीं पर मिस्टर फजल रहमान टो के चोट के चलते कारण वो भी अब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ नहीं खेलेंगे। वहीं पे जॉस हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया दौरा जो था इंग्लैंड का, उधर से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है, तो वो भी नहीं खेलेंगे। इस तरह की अपडेट हम आपको वीडियो द्वारा पहुँचा देंगे या मैसेज दे देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।